To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट थ्योरी का, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनकी डेफिनेशन क्या है और इसको कैसे ग्राफिकली ड्रॉ किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिक्स कॉस्ट है। जैसे नाम से ही जाहिर है फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, तो प्रोडक्शन फंक्शन में दो चीज़ें देखी थी, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने ये देखा था कि एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड, कोई ना कोई फैक्टर फिक्स ज़रूर होना चाहिए, तो वो शॉर्ट रन है। कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है यानी आप आसानी से वेरी कर सकते हैं, वो क्या है, वो लॉन्ग रन है। तो जब कोई फैक्टर फिक्स्ड होगा तभी उसकी कॉस्ट भी फिक्स्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिस्कस जब भी करेंगे इसका मतलब है हम बात कर रहे होंगे शॉर्ट रन की, क्योंकि कॉस्ट के फिक्स होने का मतलब है कोई ना कोई फैक्टर फिक्स्ड है, और कोई ना कोई फैक्टर फिक्स होने का मतलब है आप कौन सी प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कॉस्ट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, यानी ऐसी कॉस्ट जिसका आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कॉस्ट आपने बेयर करनी करनी है। इसकी बहुत आसान सी में एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेकरी के लिए एक शॉप रेंट पर लेता हूँ और मैंने उस पर काम शुरू करना है, लेकिन किसी वजह से मैं उस पर काम शुरू नहीं कर सका। तो अगर मैं पहले महीने काम नहीं शुरू कर सका तो क्या मैं रेंट भी पे नहीं करूँगा? मैं बिल्कुल रेंट पे करूँगा, क्योंकि उससे रेंट का कोई ताल्लुक नहीं, एक महीना पहले मैं रेंट पे ले चुका था। तो अब वो रेंट मुझे पे करना है, भले मैं उस महीने 1 मिलियन की सेल्स कर लूँ या फिर मैं कुछ भी प्रोड्यूस ना करूँ, मुझे वो रेंट पे करना है। तो आउटपुट प्रोड्यूस करूँ या ना करूँ, वो रेंट मुझे पे करना ही करना है। तो क्या हुआ, कॉस्ट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। इसकी एक और एग्जाम्पल, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ, ठीक है, आप कुछ भी यूनिट इस्तेमाल लगाए, मीटर लगा हुआ है, उसका जो एक खास अमाउंट आती है वो आपने पे करना ही करना है। टेलीफोन है, PTCL अगर किसी के पास लगा हुआ है, तो लाइन रेंट आपने पे करना ही करना है, आप कोई कॉल करें ना करें। तो ये सारी वो कौन सी कॉस्ट होती हैं, वो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। आप आउटपुट प्रोड्यूस करें या ना करें, ये अमाउंट आपने पे करनी ही करनी है। अच्छा, अब अगर इसको ग्राफिकल देखें, यहाँ आप ले लें आउटपुट, यहाँ आप ले लें फिक्स्ड कॉस्ट। तो थ्रू डेफिनेशन आप गौर से देखें कि कॉस्ट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट बढ़े या आउटपुट कम हो उससे कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो टू डायमेंशनल ग्राफ वाली जो हमारी लेक्चर है उसमें हमने ये देखा था कि एक्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वाई पे कोई फर्क ना पड़े, वाई इंडिपेंडेंट हो एक्स के, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा नजर आए, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन। This is fixed cost. अब ये cost इतनी cost है जो आपने pay करनी ही करनी है, चाहे आप कोई output produce ना करें या आप जितने चाहे output produce करें, ये cost कैसी है, fixed है, and you have to pay. तो ये तो था आपके पास fixed cost. अब हम discuss करने जा रहे हैं variable cost. तो अब हम discuss करते हैं variable cost, और variable cost की discussion से पहले आपको थोड़ा सा recall करना पड़ेगा जो हमने total productivity of labor को देखा था। ये देखिए, यहाँ हमने लिया था लेबर, यहाँ हमने लिया था आउटपुट या टोटल प्रोडक्टिविटी, और फिर हमने यहाँ पर देखा था दिस इज़ आर टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसमें क्या था, शुरू में क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा था और प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी, कॉन्स्टेंट रेट हुआ, फिर इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग रेट हुआ और फिर मैक्सिमम हो गई। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें एज्यूम की थी कि जो लेबर हम फार्मर्स हम हायर कर रहे हैं वो सारे सेम स्किल्ड फार्मर हैं, और जब सेम स्किल्ड फार्मर हैं तो हम जो उनको पैसा दे रहे होंगे वो भी कैसे दे रहे होंगे, सेम अमाउंट में पे कर रहे होंगे। अब यहाँ पर आप देखें, हम बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट की, जब हम फिक्स कॉस्ट हमने देखा और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यहाँ पर हमने एज्यूम किया था कि प्लांट साइज जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो फिक्स्ड है, यानी कैपिटल फिक्स्ड है और लेबर वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो हमने कैपिटल फिक्स्ड किया था उसकी एग्जांपल फिक्स कॉस्ट की हो गई, यानी कोई भी आपके पास जो प्लांट है, ट्रैक्टर है, ये लैंड है, वो फिक्स्ड है, उसकी जो आप कॉस्ट पे कर रहे हैं वो आपकी फिक्स कॉस्ट जो हमने इससे पहले देख ली। लेबर क्योंकि हमारे पास वेरिएबल फैक्टर था, अगर हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे क्योंकि लेबर फैक्टर ही वेरिएबल है, तो इससे हासिल होने वाली कॉस्ट क्या कहलाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट ड्राइव इस प्रोडक्टिविटी की नेचर से ही हो गई। अब देखें वेरिएबल कॉस्ट कैसी बनेगी, देखिए एक बात तो जहन में रखें
कि किसी भी यूनिट को अगर प्रोड्यूस करेंगे ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि कॉस्ट कम हो, नहीं, मुमकिन ही नहीं है। किसी भी यूनिट की प्रोडक्शन में कॉस्ट में इजाफा ज़रूर होगा। हाँ, ये बात अलग है कि इजाफा बहुत ज़्यादा हो सकता है, इजाफा बहुत कम हो सकता है, लेकिन कॉस्ट इंक्रीज़ होगी विद द इंक्रीज इन आउटपुट। ये जहन में रखेंगे, कॉस्ट में इजाफा होगा जब आउटपुट बढ़ेगा। ये वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है। अब देखें यहाँ पर कि शुरू में लेबर हम हायर कर रहे थे, एज्यूम कर लेते हैं हम लेबर को दे रहे हैं, जो वेजेस थी वो थी हमारे पास 10 रुपीस। वेजेस लेबर हम क्या दे रहे हैं उसको, 10 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं। और जो चार्ट हमने उस वक्त वहाँ बनाया था, वहाँ हमने कहा था कि पहला लेबर ने 2 यूनिट प्रोड्यूस किए, 2 हो गए तो 5, ये लेबर और ये टोटल प्रोडक्टिविटी। ये अगर रिकॉल करें तो याद होगा आपको, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ उसी चार्ट को, ये लेबर, ये टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 2, 5, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 9, 10,
लेबर हमने अज्यूम कर लिया, जो वेजेस हम पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं वेजेस इक्वल टू रुपीज 10, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लेबर हायर करेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमें नज़र आ रही है जैसे जैसे लेबर हायर करते जा रहे हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। अब शुरू वाले लेबर को, पहले लेबर को हमने कितना पे किया होगा, 10 रुपीस पे किया होगा, ठीक है 10 रुपीस पे किया होगा। यहाँ पे हमने कह दिया जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आई वो रुपीस 10 आई, एक लेबर की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट आ गई कितनी 10 रुपीस। 10 रुपीस में वो कितनी यूनिट बना के दे रहा है, 2 यूनिट। इसका मतलब पर यूनिट कितने का कॉस्ट पड़ी, यानी अगर एक यूनिट और दो यूनिट इजाफा होगा तो वो पर यूनिट 5 के हिसाब से होगा। तो इसका मतलब 1 और 2 जो यूनिट है इसकी जो कॉस्ट बढ़ रही है वो बढ़ रही है 5 के हिसाब से, यानी पहली 5 फिर 2 की हो गई 10। ये स्पीड है 5 की। ब्लू से कर लेते हैं इसको, ओके जी। यानी पहली यूनिट से 5 बढ़ी, दूसरी यूनिट से 10 हो गई पर यूनिट। अच्छा, अब जब दो लेबर हायर कर लिए तो दो लेबर के ऊपर जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो हो गई 20। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 20। लेकिन अब मुझे एक बात ही बताएं, टोटल तो 20 हो गई लेकिन अब ये 5 और दूसरे लेबर ने यूनिट कितने बना के दिए, 2 से 5 होगा ना, यानी 3 यूनिट बना कर दिए। इसका मतलब अब ये जो 10 कॉस्ट में इजाफा हुआ है 10 यूनिट का, अब ये 2 यूनिट की नहीं 3 यूनिट की वजह से हुआ है। तो अगर मैं इसी स्पीड से चला जाऊं 5 5 5 तो फिर 25 बन जाएगी, नहीं इसका मतलब है अब कॉस्ट बढ़ी है लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो बढ़ी है ना उसका रेट कम हो गया है। यानी अब 10 रुपीज़ में 3 यूनिट बन रहे हैं, तो पर यूनिट पड़ा मुझे 3.33 का, तो अब 3.33 से इजाफा होगा थोड़ा सा नीचे ओके। इस तरीके से और आगे आ जाए, फिर आपने तीसरा लेबर हायर किया, आपने उसको 10 रुपीज़ दिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया आपके पास 30। अब कितने यूनिट में इजाफा हुआ, 4 यूनिट का, अब आप उसको कितना रहे हैं 10। अब पर यूनिट कितना इजाफा हो रहा है 2.5 के हिसाब से, यानी कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन अब उसका रेट और। तो इसका मतलब देखें, शुरू में जब प्रोडक्टिविटी का रेट इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट है, जब प्रोडक्टिविटी का रेट इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट है तो एट द सेम टाइम कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन उसका रेट देखें इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट है। और मैंने इसको मिला दिया, इसका मतलब जब हम वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से ड्राइव करेंगे लेबर बढ़ेगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन रेट अपोजिट है, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट से तो कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन इसका रेट कैसा है, डिक्रीजिंग है। बिल्कुल इसी तरीके से जब प्रोडक्टिविटी का रेट कॉन्स्टेंट हुआ तो कॉस्ट का रेट भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, तो रेट यहां पर उल्टा हो जाएगा, प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ेगी इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट से, लाइक दिस। तो ये बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है रेट के हिसाब से, कि जब शुरू में आप लेबर हायर कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, तो प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है लेकिन उसका रेट कैसा है, डिक्रीजिंग है।
जब प्रोडक्टिविटी कहीं कांस्टेंट हुई होगी तो कॉस्ट भी कैसा हुआ होगा, उसका रेट भी कांस्टेंट हुआ होगा। फिर प्रोडक्टिविटी के बढ़ने का रेट गिर रहा है तो यहाँ पर कॉस्ट के बढ़ने का रेट क्या होगा, इंक्रीजिंग हो गया होगा। तो यह है शुरू में इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। यह है शुरू में इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। क्योंकि प्रोडक्टिविटी में लेबर हमारे पास वेरिएबल फैक्टर था, इसी की हमने कॉस्ट ड्राइव कर ली, तो हमने इस कॉस्ट का नाम क्या दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट। तो अब देखते हैं टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट इज अ सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि दो ही तरह की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को सम कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। अब देखते हैं उसको ग्राफिकली कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखें, जैसे ये हमारे पास आउटपुट, और यहाँ हमने लिया फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सारे ड्रॉ करेंगे। देखें, ये आपके पास आ गई फिक्स्ड कॉस्ट, जो हम पहले देख चुके हैं, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। जितना प्रोड्यूस करें ना प्रोड्यूस करें, कॉस्ट की आपने पे करनी है फिक्स्ड फैक्टर की, ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। फिर इसके बाद हमने देखा वेरिएबल कॉस्ट, शुरू में इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट है, और फिर ये आके इंक्रीजिंग रेट हो, ये आपके पास आ गए वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए इक्वेशन क्या कह रही है, इक्वेशन कह रही है टोटल कॉस्ट सम है किसका, फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि अगर आपके पास इस तरह का कोई कर्व है, यहाँ वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 5, यहाँ वैल्यू है 10, और यहाँ दोबारा वैल्यू है 5, अगर इस पूरे कर्व के हर पॉइंट पर मैं कांस्टेंट नंबर ऐड कर दूं 5, यानी अभी भी 5 ऐड कर दूं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो होगा क्या कि हर पॉइंट 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ये 5 10 हो जाएगा, 10 15 हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा, लेकिन जब इसका शेप बनाऊंगा तो वही आएगा। इसका मतलब किसी भी शेप में, किसी भी कर्व में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाए तो उसके शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपवर्ड मूव कर जाता है। इस तरीके से अगर कोई कांस्टेंट नंबर माइनस कर दिया जाए तो वो शेप क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, शेप वही रहेगी, शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये आपके पास एक वेरिएबल कॉस्ट है जिसका अपना बिहेवियर है, जो कि ड्राइव हुआ है आपके पास टोटल प्रोडक्टिविटी से, और ये आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट। अगर मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए तो इस वेरिएबल कॉस्ट में मुझे क्या ऐड करना है, फिक्स्ड कॉस्ट, या फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करनी है तो मुझे क्या मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। देखें, वेरिएबल कॉस्ट की एक शेप है, जैसे ये एक शेप थी, और अब मैं उसमें ये फिक्स नंबर ऐड करने जा रहा हूँ। कौन सा नंबर ऐड करने जा रहा हूँ, ये फिक्स्ड कॉस्ट का। तो किसी भी शेप में कोई कांस्टेंट नंबर अगर ऐड कर दिया जाए तो उसकी शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो क्या कर जाता है, अपवर्ड मूव कर जाता है। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी कि जब इस वेरिएबल कॉस्ट में इसकी अपनी एक शेप है, और ये कांस्टेंट नंबर जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो इसकी शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये मुझे थोड़ा सा अपवर्ड नजर आएगा, लाइक दिस। दिस वुड बी योर टोटल कॉस्ट, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, यानी वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के दरमियान का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट बनी क्यों है, क्योंकि मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, फिक्स कॉस्ट ऐड कर दिया, तो बेसिकली ये दो दरमियान का डिफरेंस है, ये है आपके पास क्या, फिक्स कॉस्ट। तो ये तो था आपके पास फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और उसकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। आई होप ये एवरेज टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।